खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। सदर स्टाफ यूनियन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चौधरी शाह जमील कसाना का 25% डिस एपर्टी अलाउंस ना मिलने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। सैकड़ों मुलाजमीन रोड पर आ गए, हम अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। शाहिद कसाना ने लाहौर UET के सदर मंजूर भट्टी को यकीन दहानी करवाई कि मेरी यूनियन और फैसलाबाद कैंपस का स्टाफ आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। उनका मजीद क्या कहना है, देखते हैं मलिक सईद इकबाल की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैसलाबाद कैंपस के तमाम मुलाजमीन 25% जो है वो डिस्पेरिटी अलाउंस के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपना हक लेने के लिए इंशाल्लाह ताला हर हद तक जाएंगे। तो आज जो फैसला अपना हो रहा है मेन कैंपस की यूनियन, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि फैसलाबाद कैंपस अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के हमें सेंड करे, तो उसके लिए मेरे ये तमाम भाई इकट्ठे हुए, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये हमारा सबका फ़ायदा है। इसमें हम सबको मिलना है अलाउंस, तो इंशाल्लाह ताला हमें अगर जाकर GT रोड ब्लॉक करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल हम जोरों शोर के साथ ये अपने अहकाम बाला से अपील करते हैं कि जो UET के मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमें जो 25% डिस्पेरिटी अलाउंस है वो दिया जाए।